हेलो गाइस वेलकम बैक तो यू जी के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की रिजल्ट आ चुकी है ये जो नोटिस है ये ट्वेंटी को ही आई थी लेकिन आज ट्वेंटी टू है तो आज ही रिजल्ट इसकी आई है गाइस तो आप उसे चेक कर सकते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है बाईस दिसंबर से स्टार्ट हो गई है सो अपलोडिंग ऑफ द सीट मैट्रिक्स फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग यानी बाईस दिसंबर को सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स अपलोड हो जाएगी अब आप उसे चेक कर सकते हो उसके अलावा सीट अलॉटमेंट और रिजल्ट पब्लिकेशन डेट भी 22 को ही है यानी कि ये आ चुकी है आप इसे चेक कर सकते हो और कैसे चेक करना है जैसे आपने फर्स्ट राउंड में चेक किया था वैसे ही चेक करना है बिल्कुल और अगर आपको उसमें भी डाउट है तो आप प्ले में जाकर वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट राउंड की कैसे चेक करना है डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर बुकिंग ऑफ स्लॉट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है ये डेट है 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ओके उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन तो तेईस और चौबीस का डेट आपको दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन के लिए उसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं वैसे स्टूडेंट जो प्रथम काउंसिलिंग में यानी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय पर नहीं करवा पाए थे एंड रिपोर्ट नहीं किए थे तो वे लोग जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं ठीक है उनका रिजल्ट इसमें नहीं आएगा और वैसे अभ्यर्थी जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अपग्रेड हुए हैं उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं एडमिशन के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप लाना नेसेसरी है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिला था वहाँ पर तो वो आपको लेकर जाना है सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में और क्या है यहाँ पे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आवंटित सभी अभ्यर्थियों को सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऑन स्पॉट नामांकन कराना अनिवार्य होगा जिसके लिए नामांकन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन जमा करना होगा ठीक है अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलती है तो आपको कॉलेज जाने के बाद ऑन स्पॉट एडमिशन आपको लेना पड़ेगा ठीक है गाइज उसके अलावा क्या है वैसे अभ्यर्थी जिनका सेकेंड काउंसलिंग में अपग्रेड हुआ है उन्हें अपने द्वितीय काउंसलिंग के आधार पर यानी सेकेंड काउंसलिंग के आधार पर जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ का फीस स्ट्रक्चर के अनुसार जो शेष राशि का डिमांड ड्राफ्ट है ठीक है उस कॉलेज के नाम से बनाकर लाना होगा या फिर ऑनलाइन जमा करना होगा अदरवाइज जो है आपकी जो अलॉटमेंट है वो रद्द कर दी जाएगी एवं प्रथम काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यानी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था आपने और उसकी भी राशि आपकी जब्त कर ली जाएगी ओके उसके बाद है गाइज वैसे अभ्यर्थी जिनका आवंटन प्रथम काउंसलिंग में नहीं हुआ है एवं सेकेंड काउंसलिंग में हुआ है ओके वैसे अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आवंटित संस्थान के फी स्ट्रक्चर के अनुसार कुल राशि का डिमांड ड्राफ्ट संबंधित संस्थान के नाम से बनाकर डाना होगा या ऑनलाइन जमा करना होगा खैर ये बात तो आप समझ गए होंगे अन्यथा उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा यानी कि एडमिशन के टाइम आपको पैसा लेकर जाना है सभी संस्थानों का फीस स्ट्रक्चर परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो यू जी की प्ले बनाई है एंड बाकी के जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सारे सेम रहेंगे गाइज उसके अलावा एक गाइज वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाएं थैंक्स फॉर वॉचिंग